प्रीमियम से वायरलेस ईयरफोन जिसमें ANC, ENC हो और हाईरेस ऑडियो का भी सपोर्ट हो, वो भी बजट में। सुनने में ये चीज जितनी ही अनरियल लगती है उतनी ही ये चीज सच है, क्योंकि बोल्ट ऑडियो ने लॉन्च किया है अपना न्यू क्लैरिटी 3। क्लैरिटी एक नई सीरीज है बोल्ट की तरफ से, जहां ये प्रीमियम और लग्जरियस ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हाँ, वीडियो में एक सरप्राइज रखा हुआ है आपके लिए, तो वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए खोलते हैं इस डब्बे को और देखते हैं कि ये प्रीमियम हेडफोन्स कितने प्रीमियम। वैसे भी ऑलरेडी इसे मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, आपके लिए फिर से पैक कर दिया। तो ये रहा बोल्ट के क्लैरिटी 3 का बॉक्स। इसे खोलते ही सबसे ऊपर हमें ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने के लिए मिलते हैं, और उसके नीचे हमें सफेद घूंघट में प्यारे से ईयरफोन्स देखने मिलते हैं, और नीचे हमें एक एसेसरीज का बॉक्स देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स देखने मिलते हैं और एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग के लिए केबल। स्टार्टिंग अगर इसके बिल्ड क्वालिटी से करूं तो पूरा केस आपको अच्छी खासी प्रीमियम फील देता है। अपर हाफ इसका पूरा ग्लॉस फिनिश के साथ आता है और लोअर हाफ इसका थोड़ा रबराइज मैट फिनिश का दिखने मिलता है। और इसके सेंटर में जो लाइट है वो व्हाइट कलर की ग्लो होती है, और जब ये चार्ज पर लगता है तो ये ब्लू कलर की ब्लिंक होने लगती है। और सही में इसकी लुक और फील काफी प्रीमियम लगती है, मतलब हाथ में पकड़ने से ही लगता है कि कुछ तो प्रीमियम हाथ में पकड़ा। और पूरा केस आपको प्लास्टिक का देखने मिलता है, और प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। अंदर अगर इसके बड्स की बात करूं तो बड्स भी इसके प्लास्टिक के आते हैं और उनकी भी क्वालिटी काफी बढ़िया है। और इसके बड्स थोड़े हैवी लगते हैं, जो उसमें प्लास्टिक की क्वालिटी यूज हुई है वो काफी बढ़िया है। इसकी हिंज क्वालिटी भी काफी बढ़िया है और स्टर्डीली ओपन हो जाती है, और बाकी ईयरबड्स की तरह ये इधर से लूज तो बिल्कुल नहीं लगती, मतलब बिल्ड क्वालिटी में तो ये प्रीमियम। आगे अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी पेयरिंग एकदम सीमलेस हो जाती है, और ये हाई बिटरेट ऑडियो को भी सपोर्ट करता है। और इसके साथ आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का भी तड़का मिलता है, और इसमें 50 डेसिबल्स तक का पावरफुल हाइब्रिड ANC देखने मिलता है। और ये पावरफुल हाइब्रिड ANC नॉर्मल ANC से थोड़ा अलग है, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। इसके राइट बड पर लॉन्ग प्रेस करके आप इसका ANC मोड एक्टिवेट कर सकते हो। अब देखते हैं कि नॉर्मल ANC और पावरफुल हाइब्रिड ANC में क्या फर्क है। नॉर्मल ANC में आपको 4 माइक्स देखने के लिए मिलते हैं नॉइस कैंसिलेशन के लिए, पर पावरफुल हाइब्रिड ANC में आपको 6 माइक का सेटअप देखने मिलता है, जो अच्छी तरीके से ऑडियो को कैंसल आउट करता है। नॉर्मल ANC में आपको फीड फॉरवर्ड माइक देखने के लिए मिलता है, पर पावरफुल हाइब्रिड ANC में फीडबैक और फीड फॉरवर्ड दोनों माइक देखने के लिए मिलते हैं नॉइस कैंसिलेशन के लिए। जो नॉर्मल ANC है वो लो फ्रीक्वेंसी बजिंग नॉइस को कैंसिल करता है, पर इसमें आपको सारे फ्रीक्वेंसी में नॉइस कैंसल आउट होता है। काफी टेक्निकल बातें हो गई, पर एक बात आपको बता दूं कि इसका ANC बाकी सारों से काफी बढ़िया लगा। तो ये था डिफरेंस नॉर्मल ANC और पावरफुल हाइब्रिड ANC के बीच। सिर्फ ANC ही नहीं, इसमें 6 माइक का एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन भी आता है, जो आपके कॉलिंग एक्सपीरियंस को काफी बढ़िया करता है, जो विंड नॉइस रिडक्शन के साथ आता है। ये ईयरबड्स ऐप सपोर्ट के साथ आते हैं, और उसमें आपको काफी कूल फीचर्स देखने मिलते हैं, जो आपको आगे पता चलेंगे। अपनी गेमिंग ऑडियंस को मैं नहीं बोला, गेमिंग ऑडियंस के लिए इसमें आपको कॉम्बैट मोड देखने मिलता है, जिसकी वजह से आप 45 मिलीसेकंड तक की लो लेटेंसी अचीव कर सकते हो। गेम टेस्ट तो आपने देख लिया, अगर आप इसके लेफ्ट ईयरबड को 4 टाइम प्रेस करते हो तो इसका कॉम्बैट मोड एक्टिवेट हो जाता है, और अगर उसी लेफ्ट बड को आप 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करते हो तो आपकी सीरी या गूगल असिस्टेंट जान जाएगा। IPX5 के वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है ये, मतलब पानी वानी के छींटे आए या फिर स्वेट वगैरह आए तो कोई दिक्कत नहीं, बस पहनकर बाबू से बात करते करते बरसात में मत निकल जाना। और ये एक साथ 2 डिवाइस को साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो जाता है तुम्हारी एक्स के जैसे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। काफी दिनों से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, इस पर मैंने मूवीज देखी, गेम्स खेले, यूट्यूब वीडियोस देखे और काफी कुछ करा, मतलब म्यूजिक वगैरह सुना। साउंड इसका बहुत सही है, चाहे म्यूजिक देखो, म्यूजिक सुनो, मूवीज देखो या फिर गेमिंग करो। और अगर आप कॉल पे भी बात करते हो तो इसके विंड नॉइज रिडक्शन से आपकी आवाज एकदम एक्यूरेटली आपके बाबू तक जाएगी, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। साउंड के मामले में इन्होंने मुझे कोई दिक्कत नहीं दिया अभी तक, साउंड इसका काफी बढ़िया है। ट्रेबल्स इसके अच्छे हैं, ऑन पॉइंट है, बेस भी काफी बढ़िया है, और हाई वॉल्यूम पर इसका वॉइस डिस्टॉर्ट भी नहीं होता, मतलब आवाज फटती भी नहीं है हाई वॉल्यूम पे, तो वो एक इसकी अच्छी बात है। क्योंकि इसमें बूम एक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो क्लैरिटी की सिग्नेचर साउंड प्रोड्यूस करती है।
की है। इसके 13 mm के बड़े ड्राइवर्स अच्छा खासा साउंड प्रोवाइड करते हैं और अच्छा खासा बेस भी, और ये AAC और SBC कोडेक को भी सपोर्ट करते हैं। आसान भाषा में बताऊं तो इसकी साउंड की क्वालिटी तो ऑन पॉइंट है, ट्रेबल्स भी अच्छे हैं और बेस भी काफी बढ़िया है, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसका साउंड टेलर कर सकते हो, वो भी इसके बोल्ट AMP ऐप के अंदर। अगर आप राइट बर्ड को 4 times क्लिक करते हो तो इसके स्पेशल मोड से आप हाई फिडेलिटी मोड पर स्विच कर सकते हो। स्पेशल मोड में आप ऑडियो को 3D में एक्सपीरियंस कर सकते हो, और ये वो वाला 3D एक्सपीरियंस नहीं है जो इधर उधर घूमते रहता है। इसमें आपको प्रॉपर डेप्थ पता चलती है कि गिटार पीछे से बज रहा है, वोकल्स आगे से आ रहे हैं, ड्रम्स कहीं और से बज रहा है, मतलब ये एक्सपीरियंस बताना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक्सपीरियंस ही करोगे तो भी आपको समझेगा। और इसमें आपको ऐप सपोर्ट भी मिलता है जिसका नाम है बोल्ट AMP। तो ये रहा बोल्ट का ऐप, यहाँ सबसे ऊपर हमें TWS रखे दिखे जाते हैं और नीचे आपको बैटरी परसेंटेज मिल जाते हैं। ओके, और यहाँ से आप इसके ANC को ऑफ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट मोड में जा सकते हो और ANC को ऑन भी कर सकते हो। इसके नीचे हमें इक्विलाइजर देखने मिलता है जहाँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपने साउंड को टेलर कर सकते हो, और यहाँ आपको कुछ कस्टमाइज प्रीसेट। इसके नीचे हमें इक्विलाइजर देखने मिलता है जहाँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपने साउंड को टेलर कर सकते हो, साइन कर सकते हो, मतलब कहाँ कौन सा बर्ड को कहाँ टच करे तो क्या होगा वो आप यहाँ से आराम से असाइन कर सकते हो। अगर आप यहाँ साइड में सेटिंग्स पर जाते हो तो यहाँ आप अपने कॉम्बैट मोड और म्यूजिक मोड पर स्विच कर सकते हो। अगर गेम खेलना है तो कॉम्बैट मोड, अगर म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक मोड। अब बात करते हैं इस ऐप के सबसे यूनिक फीचर की। अगर आप टूल्स में आते हो तो आपको यहाँ एक स्टार्ट बटन दिखेगा, उसे स्टार्ट करने के बाद आपके ईयरफोन्स में से जो डस्ट है वो इसे साउंड के थ्रू सारे निकाल देगा, और ये 1 मिनट का प्रोसेस रहता है। और अगर आप बर्ड्स पर टच कर सकते हो तो यहाँ आप अपने ईयरफोन्स को कस्टमाइज नेम दे सकते हो। अब बात करते हैं उस सरप्राइज की जिसके लिए आप शुरू से रुके हो। तो मैंने इसका एक गिव अवे अरेंज किया है आप लोगों के लिए। आपको बस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बताना है। तो अगर आप ये गिव अवे जीत गए तो आप इसका क्या करोगे और ये आपको क्यों चाहिए, और उस कमेंट में से रैंडम कमेंट मैं पिक करूंगा और उन्हें ये गिव अवे कर दूंगा। मतलब ये वाले नहीं, दूसरे वाले, ये मैं यूज कर रहा हूँ। 200 लाइक्स हो जाने के बाद मैं अपने इंस्टाग्राम पर इसके गिव अवे का विनर अनाउंस करूंगा, तो वहां आप जाके देख लेना आपका नाम आता है कि नहीं। तो देख लो, आपको बस कुछ नहीं करना, लाइक और कमेंट उतना तो ये ईयरफोन्स के लिए कर ही सकते हो। आगे अगर इसके बैटरी की बात करूं तो सिंगल चार्ज में 50 hours तक का इसमें आपको टोटल प्ले टाइम मिलेगा, जो कि एक काफी बढ़िया बात है, मतलब बहुत सही। और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है Type-C के थ्रू, मतलब आप अगर 10 मिनट इसे चार्ज करते हो तो ये 120 मिनट तक का प्लेबैक टाइम आपको देगा, मतलब 10 मिनट चार्ज करने के बाद आप इस पर एक मूवी आराम से देख सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की जिसका आप शुरू से वेट कर रहे हो। वैसे तो सारी चीज़ों का ही शुरू से वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, मेट्रो में, बाइक में, बस में, स्टेशन पे, सारी जगह पे, दिन में, रात में मूवीज़ देखने के लिए। हाँ, तो सारी जगह इसे मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इस पर म्यूज़िक सुना, मूवीज़ देखी, गेम्स खेले, सारी चीज़ें करी, और हर जगह ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और ये ईयरबड्स अभी लॉन्च हुए हैं और 2000 इनका इंट्रोडक्टरी प्राइस है, मतलब अभी अगर आप इसे परचेस करते हो तो आपको ये बस 2000 के पड़ेंगे, पर फ्यूचर में शायद इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो मौके पे चौका मारना सीख लो। और अगर गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो लाइक और कमेंट करना तो आपको भूलना नहीं है, नहीं तो चले जाएंगे हाथ से। बाकी इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए